दोस्तों एन आर स्टी में आपका स्वागत है पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पेज नवरतन माली पर देख रहे हैं तो बिल्कुल पेज को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान का साहित्य राजस्थान की बोलिया और राजस्थान के साहित्य का स्पष्ट रूप से ये आपका टॉपिक अभी जो सिलेबस जारी हुआ है अध्यापक तृतीय है ना यानी थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस जारी हुआ है तो उसके अंदर ये दे रखा है और आपके लिए ये रामबाण साबित होगा लगभग सेवेंटी प्रतिशत आपके यहीं क्लियर हो जाएगा बिल्कुल चलेगा तो बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये आपके लिए जो क्लास है वाकई में ज़बरदस्त होने वाली है और लास्ट के अंदर देखना और भी मजा आने वाला है क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तो ये सारे याद करवाए जाएंगे ठीक है चलेगा तो बिल्कुल चलते हैं तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन है तो बताओ भाई पहले आप बताओ फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कि ढोला मारो के रचनाकार कौन है जल्दी बताओ भाई आपके सामने चार ऑप्शन है चार कौन कौन से एक तो बीटू सुजो कल्लोल और कटपाराम मार्ट और इसदास जल्दी बताओ चलेगा दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर होगा इसका कल्लोल है ना कवि कल्लोल कवि कल्लोल कहते हैं ना तो बिल्कुल ढोला मारू का दोवा के रचनाकार कौन है कवि कल्लोल चलेगा आगे बात करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है चलेगा देखो भाई डोला मारूरा दो ग्यारहवीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है क्या है डोला मारूरा दो ग्यारहवीं शताब्दी में रचित एक क्या है लोक भाषा काव्य है और डोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है डोला मारू की कथा क्या है राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक गाथा है कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई कौन सी डोला मरुरा तो याद हो गया किसने लिखी भाई कवि कल्लोल ने और मूलतः दोनों यानी दो रचित दो लोक काव्य में सत्रवीं शताब्दी में कुशला राम कौन कुशला राम वाचन ने कुछ चौपाया जोड़कर इसका विस्तार किया तो यह ध्यान रखना कि कुसला राम जी थे वो तो उन्होंने सत्रवीं शताब्दी में क्या किया कुछ चौपाया जोड़ी और इसका क्या कर दिया विस्तार कर दिया किसका अरे डोला मारू का दोहा और ठीक है इसकी कवि कल्लोल की चलो आगे ये लो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है तो अगला क्वेश्चन है भाई बलवंत है ना बलवद विलास की रचना किसने की बलवद विलास की रचना किसने की अच्छा क्वेश्चन है ये देखो पूछ रखा है आपके सीधी प्रतिपरीक्षा में पूछ रखा है ना बलवद विलास की रचना किसने की अच्छा क्वेश्चन है देखो भाई बुक का मत पूछना क्योंकि बुक सभी बुकों से मैं क्वेश्चन लेकर फिर पीडीएफ डी एफ फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो सभी बुकें होती है दक्ष भी हो सकती है लक्ष्य भी हो सकती है मूमल भी हो सकती है सारी बुक है ना तो जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई क्वेश्चन आने लायक है तो वहीं से मैं ले लेता हूँ चलेगा ऑप्शन पहला है यहाँ पर जेम्स टोर्ड दूसरा है मोनौथ नैन्सी तीसरा है दयाल दास चौथा है सूर्यमल मिश्रण है ना ये मिश्र नहीं है मिश्रण ठीक है चलेगा देखिएगा बलवंत विलास या बलवंत विलास ये रचना है भाई सूर्यमल मिश्रण के किसकी है सूर्यमल मिश्रण के चलेगा इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी के सारी याद कर लेंगे अभी है ना कि सूर्यमल मिश्रण राव राम सिंह के, के क्या थे दरबारी थे तो सूर्यमल मिश्रण साहब किसके दरबारी थे तो राव राम सिंह जी के दरबारी थे और सूर्यमल मिश्रण ने मुख्यतः तो सात रचनाएं क्या की थी प्रकाशित की थी कितनी सात रचनाएं प्रकाशित की थी किसने सूर्यमल मिश्रण है ठीक है और कौन कौन सी की तो अभी पढ़ते हैं कौन कौन सी की पहली है वीर सतसई किसकी है सूर्यमल मिश्रण की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब इसके बारे में पूछा जाता है कि वीर सतसई रचना किसकी है सूर्यमल मिश्रण की रचना है वीर सत्सई याद रहेगा बिल्कुल रहना चाहिए फिर वंश भास्कर यह भी किसकी है सूर्यमल मिश्रण की यह भी पूछते हैं वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर राम रजाट बलवद विलास छंद मयूख और धातु रूपावली और सती रासो तो मेन इंपॉर्टेंट ये तो याद रखना वीर सतसई वंश भास्कर और बलवंत विलास ये तो तीन है ही और सती रासो के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है वैसे कि वैसे ये सारो याद रखनी है आपको वीर सतसई और वीर रस प्रधान काव्य रचना देखो वीर सतसई और वीर रस प्रधान काव्य रचना वीर सतसई क्या है वीर रस प्रधान काव्य रचना है मतलब कविताओं को कहने के अलग अलग रस होते हैं एक तो होता है कि भाई किसी की तारीफ कर रहे हो तो सौंदर्य रस होता है ठीक है अगर आप किसी वीर तक का गुणगान कर रहे हो तो वो वीर सत्यसे हो गई ठीक है यानी वीरगता हो गई तो इस प्रकार से वीर सत्य क्या है वीर रस प्रदान काव्य रचना है चलेगा आगे चलते हैं चलो अभी बताओ हरिमेकला के रचिता कौन थे अच्छा क्वेश्चन है आप कमेंट करते रहे तो बिल्कुल सभी का स्वागत है एक बार कमेंट करते रहे हरी मेखला के रचयिता कौन है ऑप्शन एक है यहां पर माहुक ऑप्शन दो है जयानक ऑप्शन तीन है श्यामलाल दास जी और ऑप्शन चार है सदाशिव। बताओ भाई हरी मेखला के रचयिता कौन है तो माहुक, जयनक श्यामलाल दास और सदाशिव। देखो भाई हरी मेखला के रचयिता है माहुक कौन से माहुक याद रहेगा बिल्कुल रहना चाहिए माहुक है इसके रचयिता इनके बारे में पढ़ लेते हैं देखिएगा शिवदास गार्डन की रचना कौन सी है अचलदास खिंच वचनीका किसकी है शिवदास गार्डन की ये पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो में ध्यान रखना शिवदास गार्डन की रचना कौन सी है अचलदास अचल दास खिचिरी वचनिका किसकी है शिवदास गार्डन की जयनक जयनक ने क्या लिखी थी पृथ्वीराज विजय तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जयनक की रह गया बिल्कुल रहना चाहिए फिर नैणशीरी ख्यात ये मोणत नायण की रचना है नैणशीरी ख्यात किसकी रचना है मोणत नायण की रचना है चलिए आगे चलते हैं फिर वंश भास्कर और वीर सत्सई जो कि वीर रस प्रधान है तो बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण की हम पढ़ चुके हैं ठीक है ये किसके कवि थे ये राम सिंह के दरबारी थे या राम सिंह के हम कह सकते राम सिंह के दरबारी कवि भी कह सकते हैं फिर वीर विनोद किसकी रचना है श्यामल दास की है फिर हरी मेकला किसकी है माऊ की है तो ये देखो सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा डब्बा क्या है इंपोर्टेंट है चलेगा आगे चलते हैं देख मतलब ना चलो आओ अब बताओ जल्दी से देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि आनंद विलास के रचयिता कौन है तो रचयिता कौन है अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधी सी बात है दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से ना दो से तीन बात कर रहा हूं तो बिल्कुल दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं तीन क्वेश्चन भी आ सकता है एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना चलिएगा राज से महाराज राज सिंह महाराज जसवंत सिंह और महा सवई जगत सिंह प्रथम और राव मालदेव देखो भाई एक तो आप बिल्कुल कंजुसा ही ना करें तो बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल चैनल को लाइक करते रहे भाई इसमें कंजूसाई नहीं होने चाहिए आनंद विलास के रचयता थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे ठीक है आनंद विलास के रचयता पढ़ लो भाई क्या है आनंद विलास के बारे में तो ये देखो देखो आनंद विलास की बात की जाए देखो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के क्या थे शासक थे ठीक है इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जसवंत सिंह प्रथम जो कि मारवाड़ के शासक थे तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया क्या कहा था कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया ठीक है ये ध्यान रखना जसवंत सिंह ने जोधपुर में राई बाग महल का निर्माण करवाया बिल्कुल बिल्कुल इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि भाई राई बाग का निर्माण जोधपुर के अंदर है तो किसने करवाया राय का बाग कहते हैं राई बाग यानी राय का बाग है ना वर्तमान में क्या कहते हैं इसको राय का बाग है ना राईबाग नहीं राय का बाग ठीक है तो राय का बाग नहीं राय का बाग तो ये ध्यान रखना राय का, बाग, का बाग, तो बाग भी कहते हैं इसको ठीक है तो किसने करवाया था जसवंत सिंह याद रहे बिल्कुल ये एक अच्छे लेखक थे जिन्होंने सिद्धांत बोध यह रचना है इनकी सिद्धांत बोध जसवंत सिंह की आनंद विलास जसवंत सिंह की भाषा भूषण जसवंत सिंह के प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह की आदि पुस्तकें लिखी क्या लिखी पुस्तकें लिखी चलेगा याद हो गया चलेगा मौनोद्नयन सिसवंत सिंह का क्या था महान दरबारी विद्वान था कौन था मोनोत्नसी ठीक है मौनोत् नायंसी की क्या लिखी थी जिन्होंने ठीक है अभी हमने बात की थी तो मौनोन्द नायंसी जसवंत सिंह का क्या था दरबारी विद्वान था चलेगा आगे चलते हैं चलो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा कि शोक शतक के लेखक कौन थे अच्छा क्वेश्चन है कि शोक शतक के लेखक कौन थे शोक शतक के लेखक कौन थे कैसरी सिंह बाला बक्स और नाथुदान शोक शतक के लेखक कौन थे तो कैसरी सिंह उमरदान बक्स और हो गया नाथुदान तो बताओ भाई जल्दी देखो भाई शोक शतक के लेखक थे आपके बालाबक्स कौन थे बालाबक्स चलेगा इनके बारे में पढ़ लेते हैं बालाबक्स कौन थे देखिएगा संगार शतक शतक और वैराग्य शतक के लेखक है यह? भिर्कुल, भिर्कुल, यह पूछ सकते हैं? संगार शतक शतक वैराग्य शतक के लेखक कौन है बर्तहरी कौन है बर्तहरी संगार शतक के लेखक है शतक के लेखक है वैराग्य शतक के लेखक है फिर करणी शतक चूंडा शतक शतक के लेखक कौन है नाथु सिंह ठीक नाथु सिर्णी शतक चूंडा शतक और हाड़ी शतक के लेखक नाथू महिरिया। चलो आगे <laughs> लो बताओ बताओ भाई म्यूटी निज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है बढ़िया डेंजरस क्वेश्चन है ये तो है ना बिल्कुल बताओ भाई म्यूटी इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है म्यूटी निज म्यूटी इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है आई टी प्रिचार्ड नाथुराम खड़ा खगड़ावत और माइकल एडवर्ड और जबरसिंह बताओ भाई चलो भाई करेक्ट आंसर आपको बता देते करेक्ट आंसर है भाई आई टी प्रिचार्ड है ना देखिएगा राजस्थान में अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय की घटना पर म्यूटी इन राजस्थान नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में कहा गया यदि अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है तो राजस्थान के शासक उसके सहयोगी बन जाए चलिए आगे बात करते हैं है ना क्वेश्चन बिल्कुल लेवल के बीकानेर के इतिहास लेखन में बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अधिक लाभदायक है मुंडिया की ख्यात बांकी दास की ख्यात दयाल दास की ख्यात या की ख्यात ध्यान रखना बीकानेर की बात हो रही है यहाँ पर ध्यान रखना दयाल दास की ख्यात, चलो आगे दयाल दास की ख्यात बीकानेर के राठौड़ों की है ठीक है दयाल दास द्वारा लिखित क्या क्या लिखा हुआ है तो दयाल दास महाराज रतन सिंह का क्या था दरबारी विद्वान था महाराज रतन सिंह का दरबारी विद्वान था कौन दयाल दास जी कौन थे दयाल दास जी चलेगा तो दयाल दास की दो खंडों में विभक्त रचना कौन कौन सी एक तो बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है और जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है दयाल दास जी की ख्यात में न बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ बताओ भाई बाइये सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मागुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया बताओ भाई पाइये सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मा गुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का क्या क्या प्रसार किया चलेगा करेक्ट आंसर होगा बीनमाल है ना। हमीर हट ये तो सबको आना चाहिए मालदेव महेश जोधराद या चंद्रशेखर साहब हमीर हट चढ़े ना दूजी बार तो हमीर हट है चंद्रशेखर की याद होना चाहिए भाई चंद्रशेखर हमीर हट नाम आए तो शीत चंद्रशेखर चलो आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद हम करेंगे रिवीजन और वो होगा याद एक ही बार में देखिएगा सूची सु, सूची वन और टू को सुमेलित करते हुए सही उत्तर लिखिए चलो भाई गुण भाषा किसकी है बताओ भाई गुण भाषा है हेम कवि की गुण रूप किसका है गुण रूपक है कैशव दास का रूपक बताओ भाई तो राज रूपक है वीरबान की सूरज प्रकाश है अभय का तो पहले का चार एरा पहले का चार एक ही में है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर गुण भाषा हेम कवि की गुण रूपक कैशव दास का राज रूपक वीर बान का बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है राज रूपक सूरज प्रकाश है अभय चलेगा दोस्तों अब करते हैं रिवीजन है ना कि भाई कितना हम पढ़ चुके हैं चलेगा रिवीजन भी करना ज़रूरी है सारे क्वेश्चन करेंगे टेंसन मतलब पाँच हज़ार क्वेश्चन पूरे होने के बाद और पाँच हज़ार है ना दस पंद्रह हज़ार क्वेश्चन करवा देंगे राजस्थान जी के, के एग्जाम से पहले पहले तो बिल्कुल जुड़े रहे एक की बात है जुड़े रहे बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले पहले सब्सक्राइब करो जल्दी से फिर हम बात करते हैं रिविज़न की चलो अरे भाई डोला मारूरा दुआ यह किसकी रचना है कल्लोल की कलोल के बारे में हम बता चुके हैं ठीक है और इनकी जो मूर्त सत्रह शताब्दी में कुशल राम जी थे तो उन्होंने क्या किया उनकी चौपाया ली और विस्तार कर दिया है ना कि भाई थोड़ी खुद उधर बहड़न लंबी बताई दी वही चीज़ है फिर बलवंत विलास सूर्यमल मिश्रण की रचना है सात रचना कौन कौन सी थी वीर सतसई वंश भास्कर रम राम रजाट बलवंत विलास छंद मयूर और धातु रूपावली और सती रासो वीर सत्सई वीर प्रधान चलो आगे हरी मेघला किसकी है हरी मेघला साहब माऊ की है हम बात कर चुके हैं बाकी अचलदास की चिरी वसनिका किसकी है शिवदास गार्डन की प्रतिराज विजय जयनक की नायण श्री क्या तो मोरना नायण सिंह और वंश भास्कर वीर सत्सई सूर्यमन मिश्रण की वीर विनोद श्यामलदास की और मई हरी मेघला माऊ की आनंद विलास आनंद विलास दसवंशीय प्रथम भाई प्रथम औरंगजेब ने कहा था आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया राय का बाघ बनवाया ठीक है और इनकी रचनाएँ सिद्धांत बोध आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय ठीक है इनके कवि थे दरबारी विद्वान थे मोनद नयन सिंह शोक शतक के लेखक कौन है तो शोक शतक के लेखक कौन थे भाई बाला बख्स शोक शतक के क्या थे लेखक थे आगे चलो म्यूटीज इन राजपूताना नामक पुस्तक किसकी है भाई आई टी पिचाड़ हमने बात की थी ठीक है अठारह की क्रांति से संबंधित है फिर बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अधिक लाभदायक है तो दयाल की ख्यात है जो कि राठौड़ों से संबंधित है आगे चलो दयालदास की ख्यात में दो भागे एक तो बीकानेर का और जोधपुर के राठौड़ फिर बाइये सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मागुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान गणित संबंधी ज्ञान आबू किसमें साब आबू एक मिनट एक मिनट गलत आबू नहीं है इसका ध्यान रखना इसका बीनवाल है आबू नहीं है ना सॉरी इसका बीनवाल आंसर है ठीक है हमीर हट का तो चंद्रशेखर है बिल्कुल हमर हट चंद्रशेखर चलिए आगे बात करते हैं टें दसवा क्वेश्चन तो भाषा तो हेम कवि की और रू, गुण रूपक कैसे उदास की राज रूपक बा, वीर बारबान की और सूरज प्रकाश अभय सिंह की तो ऑप्शन एक पहला चलेगा तो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताए और बाकी क्वेश्चन अभी काफ़ी है पचास साठ क्वेश्चन है साहित्य के तो बिल्कुल वो सारे करेंगे तब तक के लिए बने रहे धन्यवाद दोस्तों